हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अरबी के पत्तों की बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी वड़ी बताने वाली हूँ और इसे हम एक नए तरीके से बनाने वाले हैं जिसके लिए ना ही ज्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज्यादा झंझट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में आधा कप बेसन डालेंगे, साथ ही में हम एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल यानी कि वाइट सेसमी डालेंगे, इसके वजह से इसे क्रंचीनेस मिलेगा। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पाव छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कम तीखी होती है और कलर भी अच्छा देती हैं, आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला है, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर मिलेगा और हमने बेसन भी ऐड किया है तो अजवाइन की वजह से ये अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। यहाँ पे मेरे पास दो बड़े चम्मच पिसा हुआ चावल का आटा है, इससे इसे क्रिस्पीनेस यानी कि कुरकुरापन मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास एक इंच का गुड़ यानी कि जैगरी का टुकड़ा है, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते हैं। तो इसे हम कद्दूकस करके ऐड करेंगे जिससे कि इसे मिक्स करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे काला गुड़ लिया है जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल जो गुड़ मिलता है मार्केट में वो भी ले सकते हैं। अब हम इसे साइड में रखते हैं और इसके लिए अरबी के पत्तों को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज़ के 5 अरबी के पत्ते हैं, इसे महाराष्ट्र में अउची पाना करके कहते हैं और नॉर्थ साइड में इसे अरबी के पत्ते कहते हैं। अरबी के पत्ते कैसे होते हैं जानने का आसान तरीका है कि ये इस तरह से हार्ट शेप में बने होते हैं। ये दो तरह के आते हैं, एक होता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है और दूसरी जिसकी इस तरह से वड़ी बनाई जाती है। तो इसे पहचानने का तरीका ये है कि कौन सा सब्जी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा हमें वड़ी के लिए लेना चाहिए। तो आज हम वड़ी बना रहे हैं तो इसके लिए हमें जो पत्ता चाहिए उसका जो डंटल होता है वो इस तरह का काला कलर का होना चाहिए और जिनके डंटल ग्रीन होते हैं उन्हें हम सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो काले डंटल वाले पत्ते होते हैं वो गले में कम खिचखिच करते हैं और ये वड़ी के लिए एकदम परफेक्ट भी होते हैं क्योंकि वो सब्जी के जो पत्ते होते हैं वो पूरी तरह से गल जाते हैं, ये गलते नहीं हैं बल्कि इनमें थोड़ा सा क्रंचीनेस बरकरार रहता है। तो अब हम करेंगे इनका जो डंठल है उसे हम इस तरह से काट कर निकाल देंगे क्योंकि हमें डंठल की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ पत्ते चाहिए। ये देखिए मैंने पत्तों को वॉश कर लिया है, अब हम कोई भी सूखे कपड़े से या किचन टॉवल से या टिश्यू से इसे इसका जो पानी है उसे अच्छे से पोंछ देंगे और इसे ड्राई कर लेंगे क्योंकि हमें इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम एक एक करके इन पत्तों को इस तरह से रखते जाएंगे और ये जो बीच का पार्ट है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा डंठल मोटा वाला है उसे काट कर अलग कर देंगे क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। अब हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं और इसे इस तरह से एक दूसरे पर रख कर इन्हें इस तरह से काटते जाएंगे, हमें इन्हें एकदम बारीक और फाइन चॉप करना है। तो इस तरह से मैं इन्हें काटते जा रही हूँ, अब हम इन्हें एकदम छोटा छोटा काट कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इतना मैंने इसे पतला और बारीक काट कर रेडी कर लिया है। तो अब हम इन पत्तों को हमने जो मिक्सर रेडी करके रखा है इसमें डाल देंगे। यहाँ पे एक बाउल में आप देख सकते हैं मैंने इमली का पानी लिया है, मैंने एक नींबू के साइज़ के इमली को पानी में भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए, इसमें से हमें 2 बड़े चम्मच के करीब पानी इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने छलनी ली है और छलनी की सहायता से हम इमली का जो पल्प है इसे छान कर लेंगे जिससे कि कोई मोटी चीज़ इसमें ना गिरे। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के इतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसका एक डो रेडी कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इमली का पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो आप इसमें थोड़ा और बेसन ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, इमली का पल्प
और जैगरी यानी कि गुड़ भी डाला है, जिसके वजह से इसका जो टेस्ट है हल्का खट्टा, हल्का मीठा और हल्का तीखा आएगा। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर इकट्ठा होकर एक डो की तरह बन गया है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए इस तरह से ढककर किचन काउंटर पर छोड़ देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सेट हो जाए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम आगे की प्रोसेस रेडी कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने एक स्टीमर लिया है जिसमें मैंने 1.5 गिलास पानी को गर्म करने रखा है। आप चाहो तो कोई भी भगोने में भी पानी को गर्म करने रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह की स्टीमर थाली है, आप कोई भी इस तरह की थाली ले सकते हैं जिसमें आप स्टीम कर सको। तो इसे हम हल्के से तेल से ग्रीस कर लेंगे। आटे को भी 5 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। अब हम इस डो को इस तरह से लंबा करते हुए सिलेंडर शेप देंगे। इसे एकदम पतला हमें नहीं रखना है, इसे मीडियम साइज में ही रखना है और इसे हम स्टीमर थाली में रख देते हैं। अब ये स्टीम होने के लिए रेडी है। ये देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम स्टीमर थाली को सावधानी से इसमें रखेंगे, इसे ढक देंगे और आंच को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम होने देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मिक्सचर जो है वो अच्छे से स्टीम होकर रेडी है। इसे चेक कर लेते हैं कि अंदर से भी पका है कि नहीं। तो ये नाइफ हमारी क्लीन निकली है, यानी कि ये अंदर से भी परफेक्टली कुक है। अब हम इसे साइड में निकाल के रख देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। हमारा जो डो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप चाहो तो इसी तरह से इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन हो आप इसके स्लाइस कट करें। देखिए कितने अच्छे से ये स्लाइस कट करके रेडी है। इसे ऐसे भी खाया जा सकता है क्योंकि ये अच्छे से पककर रेडी है, बट इसे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस और कुरकुरापन देने के लिए मैं इसे शेलो फ्राई करूँगी। शेलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है। इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इन स्लाइस को इस तरह से रखते जाएंगे और इन्हें दोनों तरफ से 2-2 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए कितना अच्छा परफेक्टली सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हमारी अरबे की पत्तों की पतौड़ी बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट में जितना हो सके उतना जरूर भेजिएगा। और अब तक अपने रे किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।